नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। यह वीडियो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से संबंधित है और इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 9 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो है उस पर जो हमने चर्चा की है वह चैप्टर 5 से संबंधित है। हमने चैप्टर 5 में यह देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे एक बार देख लीजिए। उस वीडियो में हमने स्वास्थ्य के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया था। ठीक उसी चर्चा को विस्तार देते हुए चैप्टर 9 को या चैप्टर 9 पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 5 से ही संबंधित है चैप्टर 9, इसीलिए इस वीडियो में चैप्टर 9 को पहले लिया गया है। अगर चैप्टर 9 की हम बात करें तो चैप्टर 9 का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है जय हो पीएम जय एडॉप्शन एंड हेल्थ आउटकम्स, यानी आयुष्मान भारत जन आरोग्य और स्वास्थ्य परिणाम। अध्याय के शुरुआत में कोटेशन है और हर अध्याय के शुरुआत में कोटेशन रहता है। इस अध्याय की शुरुआत में जो कोटेशन है वह कोटेशन संबंधित है, या जिन्होंने दिया है वो कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने यह बात कही है कि असमानता के सभी रूपों में, गौर कीजिएगा, असमानता के सभी रूपों में स्वास्थ्य सेवा में अन्याय सबसे चौंकाने वाला और सबसे अमानवीय है। आखिर क्या इसका अर्थ है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि असमानता का कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो सामाजिक स्वरूप हो, आर्थिक स्वरूप हो, राजनीतिक स्वरूप हो, असमानता अपने सभी स्वरूपों में निंदनीय है या निंदा करने योग्य है। लेकिन इस असमानता के सभी रूपों में अगर समाज स्वास्थ्य संबंधी असमानता को झेल रहा है तो फिर असमानता का यह जो स्वरूप है, स्वास्थ्य का स्वरूप, यह समाज के लिए बहुत बड़े, अगर हम बात करें दुष्परिणाम की, तो उस दुष्परिणाम को सामने लाता है। वह इसलिए क्योंकि अगर हम मानव की बुनियाद को ही देखें तो अगर माता अस्वस्थ है तो इसका अर्थ है कि जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वह भी अस्वस्थ होगा, और शारीरिक और मानसिक इन दोनों स्वरूपों में बच्चा कमजोर होगा अगर उसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, अगर उसके पोषण स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो एक बच्चा जो शारीरिक और मानसिक इन दोनों स्तरों पर अगर वह बच्चा कुपोषित है तो वह कभी भी एक बेहतर मानव संसाधन या मानव पूंजी नहीं बन सकता। तो यही बात यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कही है। अब हम जरा देखते हैं कि इस अध्याय में किन बिंदुओं को उजागर किया गया है, तो जरा उस पर गौर कीजिए। पहला, सार्वजनिक वस्तु लोकतंत्र एवं शासन। दूसरा, योजना की प्रमुख विशेषताएं, मतलब आयुष्मान भारत योजना की प्रमुख विशेषताएं। तीसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब तक की स्थिति और प्रगति। और चौथा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य परिणाम। तो पहले की तरह इस बार भी हम एक एक बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सार्वजनिक वस्तु लोकतंत्र एवं शासन पर। आर्थिक सर्वेक्षण में अमेरिकी अर्थशास्त्री सैमुएलसन का उल्लेख है। सैमुएलसन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख कर दिया है, और पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहा यह जाता है कि अर्थशास्त्र में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या वैज्ञानिक विश्लेषण है उसको लाने का श्रेय सैमुएलसन को जाता है। अर्थशास्त्री सैमुएलसन ने कुछ वस्तुओं को सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में स्वीकार किया। ये क्या वस्तुएं हो सकती है, मतलब कैसी वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं हो सकती है? तो वो वस्तुएं हो सकती हैं पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा देखभाल, इसी से संबंधित अन्य वस्तुएं। अब सैमुएलसन का क्या कहना है, जरा उस पर गौर कीजिए। सैमुएलसन यह कहते हैं कि अगर सरकार महत्तम लोक सेवा करना चाहती है, मतलब अगर मैक्सिमम वेलफेयर करना चाहती है, तो फिर यह आवश्यक है कि इन वस्तुओं के मूल्य को विकेंद्रीकृत ना किया जाए, मतलब डिसेंट्रलाइज ना किया जाए। आखिर इसका क्या अर्थ है? जब भी किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में हम विकेंद्रीकृत मूल्य
या डिसेंट्रलाइज्ड प्राइस की बात करते हैं तो इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि हम बाजार नियम की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? बाजार नियम की। बाजार नियम का अर्थ यहां पर क्या है? बाजार नियम का अर्थ यहां पर है कि मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत। मांग आपूर्ति सिद्धांत का सीधा सा अर्थ यहां पर यह है कि एक उत्पादक उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना पसंद करता है जिसकी बाजार में मांग ज्यादा हो, और वहीं अगर बात हम करें उपभोक्ता की तो एक उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है जिसमें उसे महत्तम संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो ये तो हमने देखा मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। अब जरा आप यह सोचिए कि अगर किसी वस्तु की मांग बाजार में ज्यादा हो तो एक उत्पादक के दृष्टिकोण से आप क्या करेंगे? तो एक उत्पादक के दृष्टिकोण से आप उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे। लेकिन अगर बात करें सार्वजनिक वस्तु की तो उसके संदर्भ में यह बात नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं ये वस्तुएं गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत होती हैं, और अपने इन्हीं दो प्रकृति के कारण निजी निर्माता के द्वारा इस तरह के सामानों में, इस तरह के वस्तुओं में निवेश नहीं किया जाता है। आखिर क्या होते हैं गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत वस्तुएं? तो जरा देखिए आप इसे। सार्वजनिक वस्तुएं जिसे हम गैर प्रतिद्वंदी कहते हैं, तो गैर प्रतिद्वंदी का यहां पर अर्थ है कि अगर किसी वस्तु से किसी को लाभ होता है तो इससे किसी दूसरे के उपभोग स्तर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसका एक उदाहरण देखें। उदाहरण यहां पर यह है कि अगर स्ट्रीट लाइट को लगाया जाता है तो स्ट्रीट लाइट को लगाने से क्या होते कि सड़क पर जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर होता है और आम वस्तुओं का आना जाना सहज हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट लगाया गया है इससे यह तो नहीं हो रहा है कि किसी घर के जो बिजली उसमें जा रही थी, उसकी जो पूर्ति हो रही थी, उसको बाधित किया गया? नहीं। तो यहां पर गैर प्रतिद्वंदी स्वरूप है स्ट्रीट लाइट का लगना। वहीं अगर आगे हम बात करें गैर बहिष्कृत, तो फिर यह गैर बहिष्कृत प्रकृति क्या होती है? अगर एक बार इन वस्तुओं को प्रदान कर दिया जाता है तो फिर इस तरह की वस्तुएं या उससे संबंधित जो सेवाएं होती है उससे उस भाग में रहने वाले या उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले या जहां तक उस वस्तु और सेवा का विस्तार हो सकता है उसमें रहने वाले सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। आप किसी को उससे लाभान्वित होने से नहीं रोक सकते। अब इसका एक उदाहरण देखें। बाढ़ को रोकने के लिए अगर डैम बनाया जाता है तो डैम बन गया और बाढ़ के आने की जो आवृत्ति थी, पुनरावृत्ति थी, जो फ्रीक्वेंसी थी, वो समाप्त हो गई। तो अब इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ उस भूभाग में रहने वाले लगभग जितने भी लोग हैं उन सबको मिलेगा। भले ही उस बाढ़ को रोकने के लिए जिस बांध का निर्माण किया गया उस बांध के निर्माण में वहां के अधिसंख्य लोगों की कोई भागीदारी ना हो, तो यह भी क्या हुआ? गैर बहिष्कृत। तो हमने क्या देखा? सार्वजनिक वस्तुएं जो है उनकी दो प्रकृति होती है, एक गैर प्रतिद्वंदी और दूसरा गैर बहिष्कृत। तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि जब आम लोग सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो उपभोग के दौरान वो किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देते हैं। तो हमने यहां पर क्या देखा? क्या सार्वजनिक वस्तुओं की मांग रहती है या नहीं रहती है? बेशक रहती है, लेकिन जब उसकी पूर्ति की जाती है तो उन वस्तुओं के उपभोग के दौरान जो आम लोग हैं क्या वो किसी प्रकार का शुल्क अदा करते हैं? शुल्क अदा नहीं करते हैं। तो जब शुल्क अदा नहीं किया जाएगा तो क्या निजी क्षेत्र के द्वारा या निजी निर्माताओं के द्वारा उन सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण में किसी प्रकार का निवेश किया जाएगा? बेशक निवेश नहीं किया जाएगा। तो यही वो बड़ा कारण है कि मुक्त बाजार में निजी निवेशकों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश नहीं किया जाता है। तो आवश्यकता किस बात की पड़ती है? आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि सरकार द्वारा इन वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि
सरकार का गठन ही लोक निर्माण के लिए या लोक कल्याण के लिए होता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में एक बात कही गई है, वह क्या है? वह यह है कि लोकतंत्र में सरकारें क्षितिज की समस्या से पीड़ित रहती हैं। क्षितिज की समस्या, हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम। आखिर यह क्या है? अगर लोकतंत्र में शासन प्रणाली की हम बात करें तो दो प्रकार की प्रणाली, एक क्षैतिज प्रणाली और दूसरा ऊर्ध्वाधर प्रणाली। अगर ऊर्ध्वाधर प्रणाली की बात करें, मतलब लंबवत प्रणाली की अगर बात करें, तो यह पूरे तरीके से जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाई जाती है, जैसे संघ की सरकार, फिर राज्य की सरकार और फिर जो स्थानीय निकाय की सरकार है वो। तो कुल मिलाकर यहां पर कौन हो गए? ये सब के सब जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन अगर क्षैतिज, अगर हम तंत्र की बात करें, प्रणाली की बात करें, तो यहां पर हम देखते हैं विधायिका, हम यहां देखते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जो बार बार ये बात कही जा रही है कि लोकतंत्र में सरकारें क्षितिज की समस्या से पीड़ित होती हैं, सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित या सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करने से संबंधित जो योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी या बनाई जाती हैं, तो वो मुख्य रूप से लोकतंत्र को या लोकतांत्रिक जो कल्याण का स्वरूप है उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब यहां पर मामला यह है कि भारत के संदर्भ में खासकर लोक कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है या उसके विषय में सोची जाती है, एक तो इस तरह की योजना के निर्माण में देरी होती है, दूसरी बात अगर योजना का निर्माण हो भी जाता है तो फिर उसके सही कार्यान्वयन में देरी होती है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है उसके। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है उसका एक सबसे बड़ा कारण जो हम जानते हैं वह है लीकेज, यानी कि भ्रष्टाचार। और यह भी उतना ही सच है कि हमारे यहां की जो सरकारें हैं, ऐसा जो मतलब ये बात कही जाती है, ये बात आर्थिक सर्वेक्षण में भी कही जा रही है कि सरकारें या देख रेख उनका जो दृष्टिकोण है कल्याण से संबंधित वह अल्पकालिक है, या यूं कहें कि चुनाव के या चुनाव को ध्यान में रखकर वो कार्य किया जाता है। तो फिर इससे यह होता है कि अल्पकालिक लाभ के लिए या चुनाव को दृष्टिकोण में रख के सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है वह समाज के दीर्घकालिक लाभ के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार युक्तिसंगत नहीं होता या अच्छा नहीं होता है। तो सरकार क्या देख रहे हैं कि वह दीर्घकालिक लाभ पर जोर नहीं देती है, जबकि सरकार को इस पर जोर देना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि अगर सार्वजनिक वस्तुओं की हम बात करें तो यह अर्थव्यवस्था और समाज के लिए दीर्घकालिक लाभ को उत्पन्न करता है, और लोकतांत्रिक शासन यह पहलू जो है यह प्रमुख पहलुओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। कौन? सार्वजनिक वस्तु। तो हमने यह देख लिया कि सरकारी क्षितिज की समस्या से कैसे पीड़ित होती है, और अगर सार्वजनिक वस्तुओं की हम बात करें तो अगर इसका सही रूप से प्रावधान किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कैसे दीर्घकालिक लाभ उत्पन्न कर सकता है। अब यह बात नहीं है कि भारत सरकार इन सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति के संदर्भ में उदासीन है, बेशक नहीं है। सरकार पूरे रूप से प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि ये जो वस्तुएं हैं इनकी जो आपूर्ति है, इनकी जो सप्लाई है, वह आम लोगों तक आसानी से पहुंचे। लेकिन अगर स्वास्थ्य के संदर्भ की अगर हम बात करें तो 2018 तक स्वास्थ्य से संबंधित वस्तु और स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं हैं उसकी अगर हम आपूर्ति की बात करें तो वह आपूर्ति समाज के ज्यादा से ज्यादा भाग तक पहुंचाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, और यह 2018 तक जैसा कि सर्वे में कहा गया यह एक सपना था। लेकिन 2018 में ही एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को साकार करने के लिए, उसे जमीनी स्तर पर लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य है कि समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग है उन कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाना और उन पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यय है उस व्यय के भार को कम करना। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, वह किससे संबंधित है? वह है इस योजना की प्रमुख विशेषताओं से। तो इस योजना के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। तो अगर आय के पिरामिड की हम बात करें
तो आय के पिरामिड में निम्न जो 40% भाग है, आय का जो निम्न 40% भाग है समाज का, उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और अगर इसकी हम संख्या की बात करें तो यह संख्या 50 करोड़ व्यक्ति का होता है, और अगर इसमें परिवार की हम बात करें तो यह परिवार लगभग 11 करोड़ तक का होता है। तो यह हो गया इसमें कौन लोग शामिल है। आखिर शामिल करने का आधार क्या है, किस आधार पर शामिल किया गया? तो जो आधार लिया गया वह आधार है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011। आखिर किस सीमा तक, जो सवाल है अगला, कि आखिर किस सीमा तक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो व्यय के सुविधा दी गई है, तो इसमें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सेवा प्रदान किए जाने की व्यवस्था है, और इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। आगे देखिए कि इसमें किस प्रकार के अस्पताल आते हैं, तो इसमें ना केवल सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है बल्कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, और इसमें माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने का भी प्रावधान है रोगी के लिए। माध्यमिक और अगर तृतीयक अस्पताल की हम बात करें तो इस अस्पताल के वर्गीकरण का एक आधार होता है बेडों की संख्या, कितने बेड हैं, मतलब कितने मरीज भर्ती हो सकते हैं। तो अगर माध्यमिक अस्पताल की बात करें तो 100 से ज़्यादा और 499 तक बेड जहां पर हैं वह है माध्यमिक अस्पताल, और अगर तृतीयक अस्पताल की बात करें तो 500 से ज़्यादा बेड की क्षमता वाले अस्पताल यहां पर तृतीयक अस्पताल कहे जाते हैं। फिर आगे देखिए कि जो व्यय है, जो मरीज हैं, आखिर उनको किस आधार पर या किस तरीके से सरकार उनके स्वास्थ्य संबंधी व्यय का भुगतान करती है। तो एक कि अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले जो इलाज में उसके खर्च हुए वो भी उसमें आता है, साथ ही साथ अस्पताल में जो भर्ती हुआ है तो भर्ती होने के 15 दिनों तक का व्यय इसमें शामिल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इसमें उम्र के आधार पर और लिंग के आधार पर और परिवार के आकार पर किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है, साथ ही साथ यह पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति जो इस योजना के अंतर्गत आता है वह व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर या देश के किसी भी अगर कोने में वह रह रहा है, भले वह अपने गृह राज्य या गृह जिले में नहीं रह रहा है, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की, या तीसरे बिंदु पर आप गौर कीजिए, वह क्या है? वह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब तक की स्थिति और प्रगति। यह जो आकलन किया गया है, यह आकलन किसने किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है, तो उस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है। देखें, सबसे पहले 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया है। फिर आगे देखें कि 13.48 करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं, ये सारे के सारे आंकड़े जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं। फिर आगे देखें कि कितने करोड़ रुपए के उपचार प्रदान किए गए हैं, तो 7490 करोड़ रुपए के उपचार प्रदान किए गए हैं। आगे कितने अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, तो 24215 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। फिर 1.5 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने योजना की वेबसाइट पर पंजीकरण किया है, मतलब इतने जो उपयोगकर्ता है उन्होंने रजिस्ट्रेशन इसमें करवाया, तो ये हमने देख ली इसमें जानकारी। अब जरा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य का परिणाम, मतलब हेल्थ आउटकम्स क्या है। तो सबसे पहले जरा यहां पर देखिए आप कि इसमें जितने दावे किए गए, जरा ग्राफ पर आप गौर कीजिएगा, इसमें जितने दावे किए गए हैं, अगर उन दावों से संबंधित राशि पर हम गौर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे जो ज्यादा दावा है वह किससे संबंधित, जनरल सर्जरी प्रसूति एवं स्त्री रोग से संबंधित है। रेंज क्या है इसका, 10,000 से 15,000 के बीच। मतलब यहां पर यह है कि जो उच्च दावा है वह कम स्वास्थ्य खर्च से संबंधित है, जैसा कि यह ग्राफ आपको दिखा रहा है। इसके साथ ही अगर यह ग्राफ एक बात और दिखा रहा है, वह क्या, यह दिखा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण चैनल के रूप में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उपयोग करने वाले जो लोग हैं वह क्या है, वह ज्यादा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग प्राथमिक
स्वास्थ्य सेवा का उपभोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के चैनल के माध्यम से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो उच्च स्तर हमें दिख रहा है वह कम खर्च से संबंधित है, जबकि जो उच्च खर्च है उसकी संख्या, उसके दावों की अगर हम बात करें तो ग्राफ में हमें साफ क्या दिख रहा है, उसके दावे क्या हैं, उसके दावे कम हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। फिर आगे देखिए डायलिसिस, डायलिसिस से संबंधित योजना 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, और इसमें किडनी के बीमारी से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनके मुफ्त डायलिसिस की जाती है। फिर आगे देखिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी डायलिसिस किया जाता है। अगर हिस्से की बात करें तो यह जनरल मेडिसिन का कितना परसेंट है, 30% है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो डायलिसिस को शामिल किया गया है तो इसमें जो प्री ऑथराइजेशन, मतलब कि लोग जो पहले प्री ऑथराइज जाते हैं उनका डायलिसिस करना है, अगर उसकी संख्या की हम बात करें जो सामने ग्राफ यहां पर देखिए, तो सितंबर 2018 से यह लगातार यह संख्या में क्या दिख रही है, सकारात्मक दिख रही है, वह बढ़ती चली जा रही है। इतना ही नहीं, कोविड के दौरान जो लॉकडाउन लगा था उस लॉकडाउन के दौरान भी डायलिसिस की जो प्रक्रिया है या प्री ऑथराइजेशन जो है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं दिखती है, मतलब यह लगातार बढ़ती रही। और एक महत्वपूर्ण बात जो यहां पर यह कही गई है कि अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जनरल मेडिसिन का 30% अगर वेटेज डायलिसिस का है और फिर अलग से 2016 ईस्वी से डायलिसिस से संबंधित एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो फिर अच्छा ये हो कि उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ही शामिल कर दिया जाए, मतलब उसका उसमें विलय कर दिया जाए, यह सुझाव दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। फिर आगे देखिए स्वास्थ्य सुधार आकार वीशेप, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कोविड-19, तो ये तो डायलिसिस से संबंधित है, लेकिन अगर उससे ऊपर हम यहां पर देखें तो ये क्या दिख रहा है हमें, कोविड के दौरान जो जनरल मेडिसिन प्री ऑथराइजेशन की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब कोविड महामारी का प्रसार प्रारंभ हुआ तो हम इसमें कमी देख रहे हैं प्री ऑथराइजेशन में, लेकिन फिर क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई संख्या बढ़ती चली गई। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य सुधार आकार ये जो वी से बना है इसके क्या कारण है। सबसे पहले इसके आपूर्ति पक्ष पर देखते हैं, मतलब ये कि ये जो नीचे गया है ग्राफ उसके आपूर्ति पक्ष के कारण पर देखते हैं क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उसमें यह बात कही गई कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें यह डर लगा कि कहीं वे भी कोविड-19 से संक्रमित ना हो जाएं, तो उन्होंने अपने कार्य के दिवसों में, कार्य दिवस में या कार्य के घंटों में उन्होंने कटौती कर दी, जिसके कारण क्या हो गया कि जो प्री ऑथराइजेशन होना चाहिए उस प्री ऑथराइजेशन की संख्या में कमी हो गई। दूसरा कारण यहां पर क्या है कि प्री ऑथराइजेशन की प्रक्रिया जो थी उसको भी कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, किस दौरान, कोविड-19 के दौरान। तो एक तो स्वास्थ्य कर्मी नहीं आए, दूसरा जो प्री ऑथराइजेशन करना था वो उसमें भी कमी ला दी गई। तीसरा कारण देखिए क्या है कि कई निजी अस्पतालों ने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन्होंने संक्रमण के डर से जो रोगी को भर्ती ही नहीं किया, एक तो ये कारण हो गया। और उसी के साथ साथ जो सरकारी अस्पताल है उन सरकारी अस्पतालों में क्या देखा गया कि जो रोगी थे उसमें कोविड-19 से संक्रमित रोगी को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, उनके लिए बेडों को आरक्षित रखा। तो ये हुआ आपूर्ति पक्ष के कारण, जिसके कारण कोविड-19 के उस दौर में जबकि लॉकडाउन लगाया गया था उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो जनरल मेडिसिन प्री ऑथराइजेशन है उसकी संख्या में हमने कमी देखी। दूसरा पक्ष देखिए मांग पक्ष, मांग पक्ष ने भी प्रभावित किया, मतलब प्री ऑथराइजेशन की संख्या में जो हमने गिरावट देखी उसमें मांग पक्ष ने भी प्रभावित किया। वो कैसे, वो देखिए, एक तो वायरस संक्रमण के डर से रोगियों द्वारा अस्पताल जाने से परहेज किया गया। फिर दूसरा कारण क्या है कि जो लॉकडाउन लगाया गया उस लॉकडाउन के कारण एक तो परिवहन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ, और फिर लोगों के वित्त, जो लोग हैं उनको वित्त की कमी
या वित्त जो है उसमें भी उनकी कमी हुई, उसके कारण भी वो चिकित्सा सेवा तक जो अपने आप को पहुंचने से उन्होंने रोका, क्योंकि उनके पास पैसे पहले की तुलना में कम हो गए थे। तो इस प्रकार हम यहां पर यह देख रहे हैं कि COVID-19 महामारी को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस कंप्लीट लॉकडाउन की पीरियड में, उसकी अवधि में हम यहां पर यह देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो जनरल मेडिसिन प्री ऑथराइजेशन है उसकी संख्या में हमने क्या देखा, यहां पर गिरावट देखी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन के नियमों में ढील दिए जाने लगी, सरकार के द्वारा ढील दिया जाने लगा, वैसे ही लोगों की आवाजाही बढ़ी, महामारी से संबंधित जो एक भ्रांतियां थी वो भी धीरे धीरे लोगों के मन में दूर हुई और फिर लोगों ने परहेज करना भी प्रारंभ किया। तो फिर हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जनरल मेडिसिन प्री ऑथराइजेशन से संबंधित संख्या में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी स्वास्थ्य परिणाम में अगली बिंदु की ओर, उसको देखिए जरा। आर्थिक सर्वेक्षण में भेद विभेद विश्लेषण का जिक्र किया गया है, मतलब यह कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य परिणामों पर चर्चा या विश्लेषण करने के लिए जो आधार लिया गया, उस आधार का नाम है भेद विभेद विश्लेषण या डिफरेंस इन डिफरेंस। आखिर यह है क्या? तो सबसे पहली बात कि यह एक डेटा विश्लेषण का उपयोगी उपकरण है, मतलब आपके पास आंकड़े आए हैं, फिर उन आंकड़ों का, उन डेटा का आप क्या करते हैं, उसका आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब यह कि पहले की तुलना में स्थिति अच्छी हुई है या स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या स्थिति में पहले की तुलना में गिरावट देखी गई है। तो एक तो यह हो गया डेटा विश्लेषण का यह उपकरण है। आखिर इसमें किस तरीके से अध्ययन किया जाता है? तो अध्ययन करने का इसमें तरीका यह है कि अगर सरकार के द्वारा, मैं उदाहरण ले रहा हूं, अगर सरकार के द्वारा किसी योजना को लागू किया जा रहा है या किसी योजना को लागू किया जा चुका है, किसी कार्यक्रम को लागू किया जा चुका है, तो फिर एक तो जनसंख्या का वह भाग होगा जो इस योजना का लाभ उठा रहा है और दूसरा जनसंख्या का वह भाग होगा जो इस योजना का लाभ नहीं उठा रहा है। तो देखिए क्या अध्ययन किया जाएगा, एक जनसंख्या का वह भाग जो इस योजना का लाभ उठा रहा है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को कितने सीमा तक इस जनसंख्या ने प्राप्त किया है, मतलब इसमें कितना सुधार है, और दूसरा कि इस योजना का जो लाभ नहीं उठा रहे हैं तो वह जो उद्देश्य योजना से संबंधित है उसके संदर्भ में जनसंख्या के इस भाग की आखिर क्या स्थिति है। तो अर्थ आप समझ गए क्या कि इसमें कार्यक्रम में नामांकित आबादी और गैर नामांकित आबादी के बीच परिणामों में परिवर्तनों की क्या करते हैं, तुलना करता है, कौन, डिफरेंस इन डिफरेंस। ये तो हमने ये देख लिया कि डिफरेंस इन डिफरेंस क्या है, ठीक है। सर्वे में डिफरेंस इन डिफरेंस का आखिर प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, तो वो देखिए। इसमें इन्होंने क्या किया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभाव के आकलन करने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015-16 से संबंधित और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019-20 से संबंधित है, इन दोनों के आधार पर भेद विभेद विश्लेषण किया गया है। किसका? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। और इसमें दो प्रकार के राज्य दिए गए, एक वो राज्य जहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया है और दूसरा वह राज्य जिसने इस योजना को लागू नहीं किया है। तो वो राज्य जिन्होंने लागू किया, जिसमें बिहार, सिक्किम और असम, मतलब बहुत सारे राज्यों ने लागू किया, उसमें 3 राज्य लिए गए, और जिसे लागू नहीं किया गया है वो कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, मतलब पश्चिम बंगाल ने इस योजना को लागू नहीं किया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कमोबेश ये तीनों के तीनों राज्य, बिहार, सिक्किम और असम की बात मैं कर रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य भी हैं। तो यहां पर आगे जो हम देखने वाले हैं वह इससे संबंधित है कि बिहार, सिक्किम और असम ये 3 राज्य जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाले राज्य हैं, जबकि पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला राज्य नहीं है। तो विभिन्न आधारों पर इन दोनों राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी सुधार की क्या स्थिति है, तो उदाहरण देखिए, देखें इसमें क्या स्थिति है। ग्राफ पर आप गौर कीजिए जो स्क्रीन पर आपके उभर कर आया है। इसमें आप देखिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 वेस्ट बंगाल, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5
वेस्ट बंगाल। तो ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल। और उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो कि बिहार, सिक्किम और असम से संबंधित जो डेटा है वो, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जिसमें बिहार, सिक्किम और असम से। तो ये दोनों कलर देख लिया आपने, जो बिहार, सिक्किम और असम संबंधित है, ये दोनों कलर किससे संबंधित है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। यहाँ तीन आधार लिए गए हैं। पहला आधार क्या है, हाउस होल्ड्स विथ एनी यूजुअल मेंबर कवर्ड अंडर ए हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंस स्कीम। मतलब ये कि स्वास्थ्य बीमा कवरेज की बात यहां पर कही जा रही है, किस क्या स्थिति रही है। तो जरा गौर कीजिए, देखिए क्या देख रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा के अनुसार अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो क्या प्रतिशत है स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में, 33% है, ठीक है। वहीं स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंतर्गत वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो पहले की तुलना में वेस्ट बंगाल में हम क्या देख रहे हैं कि 12% की गिरावट देखी जा रही है। वेस्ट बंगाल कैसा राज्य है, वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि 3 अन्य राज्यों की स्थिति देख लें। क्या देख रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार बिहार, सिक्किम और असम में हम क्या देख रहे हैं कि 18% जो हैं वो परिवार का कोई भी एक व्यक्ति वो क्या देख रहे हैं उसमें हम कि वो स्वास्थ्य बीमा के कवरेज के अंतर्गत है, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यह क्या बता रहा है कि अब पहले की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 89% की वृद्धि हुई है। मतलब यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ सीधे तौर पर बिहार, सिक्किम और असम को मिल रहा है। ठीक यही स्थिति देखिए 2 अन्य आधारों में भी देखने को मिलती है, विमेन विथ 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मतलब यहाँ पर यह है कि जो महिलाएं हैं उनमें 10 या उससे ज़्यादा वर्ष तक जो स्कूल में जा रही हैं उसके प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल की स्थिति में हमें क्या देख रहा है कि 24% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि बिहार, सिक्किम और असम की बात करें उसमें 20% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन प्रतिशत में भले ही कम हो लेकिन संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या ज़्यादा अच्छी है वेस्ट बंगाल की तुलना में। आगे देखिए कि मैन विथ 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज, इसमें हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कितने परसेंट की वृद्धि देख रहे हैं हम, तो 3% की वृद्धि देख रहे हैं किसमें, वेस्ट बंगाल में, जबकि बिहार, सिक्किम और असम में यह वृद्धि कितनी है, यह 10% की वृद्धि है। ठीक यही स्थिति नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कई और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि देखें परिवार नियोजन के संदर्भ में, मातृ एवं शिशु देखभाल के संदर्भ में, संस्थागत प्रसव, शिशु रोग सुधार, एड्स जागरूकता। तो इन सभी संदर्भों में जो निष्कर्ष निकल कर आता है वह निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि जिन राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया उनमें विभिन्न स्वास्थ्य निष्कर्षों में महत्वपूर्ण सुधार आया है। और हमने यह देखा कि इसके लिए आधार क्या लिया गया, आधार लिया गया 2 राज्यों का, 2 प्रकार के राज्यों का। एक वैसे राज्य जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया है और दूसरा वैसा राज्य जहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार हमने अध्याय 9 से संबंधित जो विभिन्न पहलू थे, विभिन्न बिंदु थे, उस पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर आपको हमारी टीम का कार्य प्रशंसनीय लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.